अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है थाईलैंड की मेन जगह, इसका नाम है सेंट्रल वर्ल्ड मॉल। ये बहुत बड़ा मॉल है, काफ़ी लंबाई पे फैला हुआ है स्क्वायर मीटर पे। इसके अंदर हर चीज़ मिलती है और ये नाना स्क्वायर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पीछे की तरफ है। तो ये यहाँ पे क्लॉक टावर भी है, तो क्लॉक लगा हुआ है और ये नाना सेंट्रल मॉल का एरिया है। इस सेंट्रल मॉल में अभी इस टाइम मैं गुजर रहा हूँ। ये बड़ा रोड है आने जाने वाला और यहाँ पे पूरी एडवर्टाइजिंग हुई हुई घड़ियों की। और ये काफ़ी बड़ा मॉल है, तकरीबन 1 किलोमीटर पे फैला हुआ है, इतना बड़ा मॉल है ये। और मैं साइड से जा रहा हूँ, यहाँ की ये लोकल बसें, लाइफ सीएम हाउस, वर्ल्ड सेंटर, काफ़ी यहाँ की चीज़ें हैं। और ये ब्रिज से क्रॉसिंग भी कर सकते हैं आप, ये ब्रिज भी लगा हुआ है एक से दूसरी तरफ जाने के लिए। और पैदल इस तरह सीधा जाते रहे, फिर इधर आएगा एक नाला, ब्रिज आएगा, ब्रिज उसके नीचे कश्तियाँ चलती हैं, वो नाला है, गंदा नाला, उसका भी टिकट लगाया हुआ है कश्ती में बैठ के आगे जाने का। ये मैं सेंट्रल मॉल के सामने वाले एरिया में जा रहा हूँ। यहाँ भी एक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एवरीथिंग। यहाँ पे पूरी एक मार्केट है, इंदिरा मार्केट, जो कि वो इंडिया की मार्केट है। सामने नोवोटेल बिल्डिंग है और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं ख़रीदारी करने के लिए। ये होलसेल मार्केट है इंदिरा मार्केट, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, और कपड़े, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और ये भी एक होटल है, यूनिक बिल्डिंग बनी हुई। ये क्रॉस करने का इसके अंदर से ब्रिज है, अगर आपको एसी से थोड़ा ठंडक में जाने के लिए। ब्रिज का एरिया है, सीधा जाएंगे तो यहाँ पे हर चीज़ ही मिलेगी तकरीबन आपको, सोई से लेकर जहाज़ तक। सिर्फ जहाज़ नहीं होता, बाकी सब चीज़ें होती हैं। ये पूरा मॉल का एरिया है, ये टूरिस्ट बस है, काफी टूरिस्ट आते हैं इधर हर जगह से। सामने नोवा बिल्डिंग है, उसके ऊपर हांगकांग बिल्डिंग है, वो जो आपको स्लाइडिंग नजर आ रही है चलते हुए। सेलिब्रेशन इज गोइंग, इधर टुक टुक भी चलते हैं, ये है टुक टुक। और ये सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है, इस पे जाके आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। इधर पूरा ये खाने पीने के माल मॉल में मिलता है, और ये मॉल छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए हैं इस मॉल में। नई वीडियो के साथ, और ये क्रॉसिंग एरिया आ गया। और यहाँ पे बस स्टॉप भी है, फिर एक नई वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे।